इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे, इश्क के खेल देखिए, आप वक्त पर किराया अदा कर दिया कीजिए। जब से आपकी भावज आई है उसने अंधी मचा दी है। कोई छाबड़ी फरोश उसे शॉपिंग करवाए बगैर यहां से गुजर नहीं सकता। हाँ जी, मेरी बात सुने। जी 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 जी, फरमाए। या तो ये कुत्ता रहेगा इस घर में या मैं रहूंगी। ये क्या बात कर दी, कुत्ते से अपने आप को मिला लिया। ऐसे लाख कुत्ते मैं आप पर से कुर्बान कर दूं। वाह 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 वाह, लोग तो अपनी महबूबा पे अपनी जान कुर्बान करते हैं और आप ये कुत्ता कुर्बान कर रहे हैं? भाई, आपने कुत्ते का जिक्र किया है तो मैंने उसे कुर्बान कर दिया। जब आपके पास इतने सारे घर हैं तो फिर आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? दरअसल इस घर से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता है। अच्छा, कौन सी यादें वाबस्ता है? एक तो जब यादें याद नहीं रही। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि आप यहाँ इन कुत्ते बिल्लियों के साथ क्यों रह रहे हैं, और साथ में मुझे भी रखा हुआ है। यहाँ रहते रहते मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी जानवरों जैसी हो गई है। दरअसल ये कुत्ता बड़ा ढीठ है। आप उससे भी ज्यादा ढीठ है। क्या कह रही हो? असल में मंगू में कोई खास चीज है। उसकी स्मेल सूंघता सूंघता ये कुत्ता यहाँ आ जाता है। 36 बार पहाड़ों में छोड़कर भी आया हूँ इसके। अगर ये कुत्ता नहीं मान रहा तो आप ही मान जाए, इस घर को छोड़ के चले जाए। भाई, ऐसा तो मैंने वाकई कभी सोचा ही नहीं। तो अब सोच ले। देखें बेग साहब, मुझे अब इस घर में नहीं रहना, वरना मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। ना, ऐसी बात ना कीजिए। आप छोड़कर जाएंगी तो जो कुचला खिलाकर कुत्ते को मारना है मैं खुद खाकर तो मर जाऊंगा। मैं आपको छोड़ने की बात नहीं कर, मैं इस घर को छोड़ने की बात कर। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं इस घर को भी छोड़ जाऊंगी और आपको भी छोड़ के चली जाऊंगी। ना नगी, ना ना ना। क्या हुआ तेरी चमक चलो को? कुत्ते से मसला है उसको। कौन से कुत्ते से? बेटा गिन के बता, इस घर में कितने कुत्ते हैं? कुत्ता तो कोई नहीं इस घर में, बस चीता है मेरा बार। तुझको अगर मैं शाहरुख खान कहूँ तो तू शाहरुख खान बन जाएगा? तू कहता तो नहीं बनता, वैसे भी ओवर एक्टिंग करता है, तेरी तरह पसंद नहीं मुझे। अब बकवास ना कर। अच्छा बता, बुलाया क्यों है? मैं ये बता रहा हूँ कि तेरा भाई खैर से रात को अथोपिया जा रहा है। ओ, अथोपिया नहीं जा रहा, कनाडा जा रहा है। कनाडा? वो तो अथोपिया उसके साथ ही है ना। वो सारा दिन ये गंदे रसाले पढ़ता रहता है, कभी नक्शा भी देख लिया कर, किसी के सामने ना कह दी बिस्ती होगी। चलो तो वो जहाँ भी जाएगा तो वो अथोपिया बना देगा ना उसको। अच्छा बात बता। मैं ये कह रहा था कि तू खुद छोड़ने के लिए जाना, ये जो एजेंट है ना उसका मुझे एतबार नहीं है। खुद जाएगा, उस पर जरा रोक पड़ेगा और बेटा सीट पर बैठा कर और वो जो बेल्ट होती है ना वो बांध के तूने जहाज से निकलना। और क्या हो गया, जहाज में नहीं अंदर जाने देते किसी और को जब तक टिकट ना हो? और क्या कर लेगा एजेंट, मेरे साथ दो नंबरी करने का रिस्क ले सकता है वो? रहना नहीं सुने यहाँ। अच्छा अल्लाह करे जो तू कह रहा है ए, वो ही हो। ए, ये
रकम मैं तुझे दे रहा हूं। रात को तुमने भाई को लेकर तो दाता साहब जाना, वहां दुआ करनी है और देग भी चढ़ानी है। तू नहीं जाएगा? मेरा सलाम कहना और मेरी तरफ से दुआ करना। क्या दुआ मांगनी है? कोई नवे ब्याह का शौक तो नहीं चढ़ गया फिर से? ना पुत्र, मेरे तो इस फ्रेश ब्याह ने चंग ने निकलवा दी। लग गया पता। अच्छा चल, क्या दुआ मांगनी बता। दुआ यही मांगनी है कि जिस तरह टीपू से मेरी जान खलासी हो गई है, उससे तरह मंगू बिज से भी मेरा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। अबा तेरे से जितना तमीज से बात कर लो, इखलाक से और प्यार से, तूने एंड में मुंह कोड़े करना होता है। ना तो तेरे से बात करके कौन सा रसगुल्ले का स्वाद आ जाता है। और जो अपनी जौजा मुतरमा के गुस्से है ना, ये मुझ पे ना निकाला कर। उसके सामने तेरी जुबान नहीं चलती, मेरे सामने बातें करता है। खामखा, अगर इस औरत ने भी मुझे तंग किया तो इसके ऊपर एक और औरत मैं लेकर आऊंगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि वो टीपू जहाज के जरिए दूसरे मुल्क चला गया। ले बेटा, तुझको मैं क्या बताऊं, मगर ऐसा मुकद्दरों वाला है, जहाज में बैठा ही है तो जहाज नहीं स्टार्ट हो रहा था। जहाज स्टार्ट हुआ है तो बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा अब क्या करूं, टिकट जाया हो जाएगी। मैं कहूं या अल्लाह, मैं 125 की जलेबियां बांटूंगा, ये दफा हो जाए यहां से मेरी नजरों के। फिर गड़गड़ाहट की आवाज आई ना जब आसमान से, तो मैंने कहा लो जी, अब ये कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। हो लो भाई, ये बड़ा मुश्किल काम था टीपू वाला, जो अल्लाह ने आसानी से ही खत्म करा दिया। क्यों चाचा, क्यों काम खत्म हो गया? देखना, वो बहुत जल्दी घर वापस आएगा। ओ खुदा का खौफ कर बेटा, थू कर थू थू, बल्कि दुआ कर के ये भी मुल्क से बाहर जाए और वहां जाके मेहनत मजदूरियां करके मेरे साथ मनी लॉन्ड्रिंग करे। तू भी कोई काम कर ले बेटा। ना तूने किया सारी जिंदगी को काम जो मुझे करने को कहता रहता है? काम कर, काम कर। ना ये जायदादें, ये महलात, ये फैक्ट्रियां, ये बागात, ये फल, ये फूल, ये जमीनों के प्लाट किसके? और दुआएं दो अपने वालिद साहब को और उनके वालिद साहब को, अल्लाह बख्श दे, सब कुछ देखे। और तूने तो एक ईंट भी नहीं लगाई। मैं बातें करता है और तेरे चक्कर में उतना भूखे मार गए होते हम सारे। आए हाय चाचा, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? देख रही है, देख रही है, ये इसी तरह सौकन बन के मुझे मेने मारता है। सड़क पर, स्टेशन पर जा के लोगों को रोक रोक के कहता है कि मेरा अब्बा जो है वो सुतेला है। अब बता, मैं सुतेला बाप हूं इसका? तेरे इसी तरह जनानियों की तरह लड़ने की वजह से ना टीपू घर छोड़ के गया। वो पैसे कमाने नहीं गया, तुझसे जान छुड़ा के गया। और किसी दिन मैंने भी चला जाना। ओहो प्लीज मंगू, चुप कर जाओ। नहीं नहीं, इसको बोलने दे, मेरी बिस्तियां करता है। जा के कोई मीठी चीज पका, मेरी शुगर लो हो रही। मीठी चीज? हाँ जी। चाचा के लिए ना करेले का जूस लेके आ, कोड़ा। खुदारा तुम दोनों चुप कर जाओ, मुझे कुछ नहीं पकाना। ओए होए, मुझे भी भूख लगी हुई थी, चल बाहर से मंगा ले कुछ। अच्छा, भूख तुझे लगी है, मंगवाऊं मैं जाके खुद क्यों ना खाया। औलाद पे ना कभी टका खर्ची, तू अल्लाह ही पाल रहा है। मैं हेलो। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ हैं आप? मैं ऑफिस में। क्या कर रहे हैं? अरे भाई काम कर रहा हूँ। पता है मुझे अच्छी तरीके से, ऑफिस में क्या काम कर रहे होते हैं? काम करता हूँ। अच्छा जी, तो क्या काम करता हूँ मैं ऑफिस में? मुझे घूरते रहते हैं बस,
और क्या काम करते हैं? तुम भी तो सामने बैठी छुपके छुपके मुझे घूरती रहती थी। मुझे क्या शौक है आपको देखने का? हाँ आपको ही शौक था, इसलिए तो दूसरे कैबिन से कुर्सी उठाकर मेरी अपने कमरे में रख ली अपनी आंखों के सामने ताकि मुझे घूरते रहे। अरे बाबा क्या लड़ाई के लिए फोन किया? जी हाँ लड़ाई करने के लिए फोन किया है। आपने तो आज मेरा हाल भी नहीं पूछा। अच्छा तो अभी पूछ लेता हूँ, क्या हाल है आपका? अच्छा ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली। मैंने कहा तो हाल पूछ लिया। क्या हाल है तुम्हारा? ये क्या बात हुई? मेरा फोन बंद कर दिया। लॉस लेती हूँ आपकी। हेलो क्या हाल है आपका? बड़े चलाक हैं आप। चलाक नहीं हूँ, बस आपसे मोहब्बत करने के तरीके सीख रहा हूँ। अच्छा तो फिर आप मिलने क्यों नहीं आए आज? बस यार कुछ ऑफिस में काम है तो बस जरा फ्री हो जाऊँ तो आता हूँ। जल्दी आ जाए ना, मिस कर रही हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। नगीना चाय लेकर आ जाओ, तुम हमारे करीब नहीं होती हमारा दिल घबराने लगता है। आ भी जाओ चाय। वो बात सुने, मैं ये कह रही थी कि टीपू तो यहां से चला गया तो अब हमें भी इस घर से चले जाना चाहिए। क्या मतलब? हमें कहाँ चले जाना चाहिए? मतलब ये कि मुझे अब इस घर में नहीं रह। कितनी बार बताऊं मैं आपको? भाई मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि आपको इससे क्या मसला है। देखिए ये हवेली नुमा घर हमारे अब्बा जान ने बनवाया था और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ ठेकेदार ने उन्हें सर्टिफिकेट और चाबियां लाकर दी तो उनका दम निकल गया। वो ये खुशखबरी बर्दाश्त नहीं कर सके। कौन सी खुशियां इस घर के अंदर? अच्छा हुआ जो वो चले गए वरना इस घर को बेच कर जाते। देखो अपने सुसर मरहूम के बारे में ऐसी बातें मत करो। अच्छा तो क्या आपने भी कहीं यहीं पर तो नहीं मरहूम होना? कौन सी खुशियां देखी हैं आपने, जरा गिनकर बताएं मुझे। आपके ये प्यारे प्यारे कदम जो इस घर में आ गए, और क्या चाहिए मुझ जैसे इंसान को। मैं अपने प्यारे कदम लेकर ना किसी और जगह चली जाऊंगी। एड़ियां घिस गई हैं मेरे इन प्यारे कदमों की इस घर में। बेगम साहिबा आपको कौन सा घर चाहिए बताइए हमें। वो जो साथ वाले मोहल्ले में आपका घर है उसको क्या मसला है? इसे किस हरामुद्दहर ने उस मकान के बारे में बता दिया, मगर ये बताइए कि इस घर में क्या मसला है। वो कम से कम घर तो लगता है ना, ये तो ऐसे लगता है जैसे कूड़ेदान में दीवारें खड़ी कर ली हैं। ओहो आप नहीं जानती, उसी घर के किराए पर तो हमारी गुजर बसर होती है। मुझे नहीं पता, मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं रूखी सूखी खा के गुजारा कर लूंगी लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। लेकिन वहाँ पर जाने का हमें फायदा क्या होगा? बस मुझे यहाँ पर नहीं रहना, यहाँ पर मंगू है और ऊपर से उसका कुत्ता भी है। वो तो मंगू और कुत्ता तो वहाँ भी होंगे। नहीं वहाँ सिर्फ मैं होंगी, आप होंगे और कोई भी नहीं होगा। मैं कुर्बान, मेरी जान भी कुर्बान आप पर। जान रहने दें,
इस माड़ी जान का मैं क्या करूंगी, मुझे बस घर दे दे। अच्छा चलो तो ये घर फिर आपका ही हुआ। सच्ची? ठीक है। क्या हो गया मंगू, ऐसे सैड क्यों बैठा है? क्या करूं यार, जिंदगी सैड हो गई। वो टीपू भी चला गया, उसके साथ दिल लगा रहता था, अब वो देख चीता भी उदास बैठा, दिल ही नहीं लग रहा किसी चीज में। अब तो कोई काम कर लो। वो क्या काम करूं यार, इस मुल्क में कोई काम है ही नहीं करने वाला। और सारा दिन धूप में खड़े रहो, सुहारो पूरा महीना, एंड में इतने से पैसे लेके आ जाओ, क्या होता है सर? इतने मायूस क्यों, अपनी लाइफ को सेट करो। कैसे सेट करूं, ये नौकरी से जिंदगी सेट होनी? 100 दफा कहा वैसे, एक दुकान बेच दे, कोई कारोबार कर लूं, हो जाऊंगा सेट, लेकिन नहीं, पैसा ना निकल जाएगा हाथ। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना, तो चाचा तुझे पैसे नहीं देगा। तुझे पता है ना चाचे की आदत का, और वैसे भी तूने कौन सा जिंदगी में तीर मार लिया। तू कभी जिंदगी को सीरियस भी ले ले और काम कर ले। और सीरियस ही हूँ, इससे ज्यादा क्या सीरियस हूँ मैं, अब सारे दिन घर में पड़ा रहता हूँ, अभी भी सीरियस नहीं हूँ। ये कैसा सीरियस है, तू सीरियस होके भी वेला है। तो फिर क्या करूं, बंदूक पकड़े सारे दिन किसी दफ्तर के बाहर खड़ा रहूं, है मुझसे नहीं होता। अगर तुझे ये काम नहीं पसंद तो कोई और काम कर ले। मुझे नहीं करना कोई काम। अच्छा तू मुझे बता, मैं चाचे से बात करूं, वो तुझे पैसे दे देगा। जा करके देख ले, बात तेरी बात मान जाए तो मान जाए। बात तो मैं कर लूंगी, पर तू मुझे बता, तू पैसों का करेगा क्या? वो कुछ भी कर लूंगा, पैसे आएंगे तो सोच लूंगा क्या करना। कुछ भी क्या, पहले तू मुझे बता, तू उन पैसों का करेगा क्या? अब तू मेरा अब्बा ना बन जा, कह रहा हूँ ना पैसे आएंगे तो सोच लूंगा क्या करना, इतने कारोबार है कोई भी कर लूंगा। पैसे दिए नहीं अब्बे ने, काम शुरू हुआ नहीं, तूने सवाल जवाब शुरू कर दिए पहले। अच्छा चल ठीक है, मैं चाचे से बात करती हूँ, तू पहले अपना मूड ठीक कर ले। मूड अब नहीं ठीक होना मेरा। वो क्यों? क्योंकि मंगू अब सीरियस हो गया। तुम और सीरियस? आपको ऑफिस में मेरी कमी महसूस नहीं होती? तुम पहले कौन सा काम करती थी ऑफिस में? हाँ? इसका मतलब मैं कोई काम नहीं करती थी ऑफिस में? क्या काम करती थी? जैसे तुम काम करती थी, तुम्हें तो ऑफिस से निकाल देना चाहिए था। अच्छा, तो फिर मुझे ऑफिस में क्यों रखा हुआ था? फिर अपने साथ स्पेन क्यों लेके जा रहे हैं, बताएं? बस दिल के हाथों मजबूर था। और अब स्पेन जाके भी तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है। वो क्या? तुम्हें सिर्फ मुझसे मोहब्बत करनी है। करोगी ना ये काम? थोड़ा मुश्किल है, मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा तो फिर कोई असिस्टेंट वगैरह तो नहीं रखनी पड़ेगी? जान ले लूंगी आपकी। हाँ ये काम तो मैं खुद करूंगी। अच्छा तो भी ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की। एक्सक्यूज मी, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं अभी आया। अरे रुके, मैंने आपको कोई तंग थोड़ी करना, यही सुन ले। तुम्हें स्पेनिश आती है? नहीं। तो तुम्हें बोर नहीं करना चाहता। जस्ट 2 मिनट्स, आई विल।